अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ हमेशा की तरीके से खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बड़े मज़ेदार सी ज़बरदस्त सी चिकन कढ़ाई की रेसिपी। आज हम बड़े मज़ेदार रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन कढ़ाई बनाएंगे। बेहद लजीज बनती है ये चिकन कढ़ाई और इसकी ग्रेवी भी बहुत थिक और अच्छी सी बनती है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये मज़ेदार सी चिकन कढ़ाई ज़रूर से पसंद आएगी, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए फिर देरी नहीं करते, बस फटाफट से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। रेसिपी शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल बटन भी दबा दीजिए ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियोस आपको फौरी मिल सके। रेसिपी स्टार्ट करते हैं, देखते हैं चिकन कढ़ाई बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले कढ़ाई के अंदर हम तेल डाल लेते हैं। यहाँ पर हमने 1 कप के बराबर इसमें तेल डाल दिया। अगर ग्राम में देखें तो 200 ग्राम के बराबर हमारे पास ये तेल था, ये हमने डाल दिया। तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब इसके अंदर हम 1 दरमियाने साइज की प्याज शामिल कर रहे हैं। प्याज को हमने स्लाइसिस में कट करके इसके अंदर शामिल कर दिया। अब इसके अंदर हम 1/2 किलो टमाटर डाल रहे हैं। टमाटर को हमने बीच में से 2 हिस्सों में कट करके इसके अंदर इस तरीके से डाल लेना है ताकि टमाटर की जो स्किन है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, नरम हो जाए। ये तमाम टमाटर इसके अंदर हमने डाल दिए। अब हम इसे कवर करके लो फ्लेम पर 3 से 4 मिनट के लिए रख देंगे। बस ये जो टमाटर की स्किन है वो बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, इतना हम इसको पकाएंगे। 4 मिनट हो चुके हैं इसको रखे हुए, इसको हम देख लेते हैं। आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से टमाटर की स्किन सॉफ्ट हो चुकी है। इसको हम इस तरीके से निकाल लेंगे, तमाम को हम इसी तरीके से निकाल लेंगे। बहुत ईजी है इनको निकालना, ज्यादा मुश्किल नहीं है। ये तमाम टमाटरों की हमने स्किन इस तरीके से रिमूव कर ली, निकाल ली। अब हम इसको चमचे की मदद से इस तरीके से कुचल लेते हैं। बस हमने इसको अच्छे से मैश कर लेना है, इसी के अंदर टमाटरों की अच्छे से भुनाई भी हो जाएगी। ये आप देख सकते हैं टमाटरों की अच्छे से भुनाई हो चुकी है और तमाम टमाटरों को हमने अच्छे से चमचे से कुचल भी लिया है और बहुत अच्छे से इसकी ग्रेवी सी बन गई है। अब इसके अंदर हम 2 चमचे पिसा हुआ अदरक लहसुन शामिल कर रहे हैं और 1.5 चमच यहाँ पर हम दरदर सी कुटी हुई हरी मिर्च शामिल कर रहे हैं। 8 से 10 हमने हरी मिर्च ली थी, उनको दरदरा सा हमने कूट लिया, पेस्ट नहीं बनाया। बस हमने इसको दरदरा सा कूट के इसके अंदर शामिल कर दिया। 10 से 12 यहाँ पर हम काली मिर्च शामिल कर रहे हैं, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर शामिल कर रहे हैं और 1 चमच यहाँ पर हम कुटी लाल मिर्च शामिल कर रहे हैं। 1 चमच यहाँ पर हम नमक का शामिल कर रहे हैं। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या बढ़ती कर सकते हैं। अब हमने फ्लेम को हाई पर रखकर इसकी 3 से 4 मिनट अच्छे से भुनाई करनी है। हमने इसकी इतने अच्छे से भुनाई करनी है कि इसका जो मसाला है यानी कि जितने भी हमने स्पाइसेस वगैरह डाले हैं वो बहुत अच्छे से तेल के अंदर पक जाए और ऑयल इसका अलहदा हो जाए और मसाले में दाना पड़ जाए। यह आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से इसकी भुनाई हो चुकी है, मसाले में दाना भी पड़ चुका है और ऑयल भी इसका सेपरेट हो चुका है। अब इसके अंदर हम चिकन शामिल कर लेते हैं। यहाँ पर हमने 1 किलो चिकन लिया है, ये हमने तमाम इसके अंदर डाल देना है। ये तमाम चिकन इसके अंदर हमने डाल दिया। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, बस हमने इसको ऊपर नीचे करके अच्छे से मिक्स कर लेना है। चिकन को हमने मसाले में अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसे कवर कर देंगे और फ्लेम को हमने स्लो कर देना है। स्लो फ्लेम पर इसको हम 5 मिनट के लिए इसी तरीके से छोड़ देंगे। अभी चिकन अपना पानी छोड़ेगा और बहुत अच्छी तरीके से ये इसी के अंदर कुक हो जाएगा। हमने इसमें पानी नहीं डालना, पानी के बगैर ही हम इसको स्लो पर दम पे रखकर इसी तरीके से पकाएंगे। चिकन को रखे हुए 5 मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं चिकन हमारा तकरीबन गल चुका है। अभी हमें थोड़ा सा और इसको कुक करना है, उसके अंदर भी ये अच्छे से पक जाएगा। अब हम इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे क्योंकि चिकन डालने के बाद हमने इसकी भुनाई नहीं की, इसलिए हमने इसको बहुत अच्छे तरीके से भून लेना है। चिकन को हमने अच्छे से भून लिया, आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से इसकी भुनाई हो चुकी है। अब इसके अंदर हमने ग्रेवी रखनी है, इसलिए यहाँ पर हम 1 कप के बराबर इसमें पानी शामिल कर रहे हैं। अब इसके अंदर हम कुछ मसाले शामिल करेंगे। यहाँ पर हमने 1 चमच दरदरा सा कुटा हुआ साबुत धनिया लिया है, ये डाल रहे हैं। 1/2 चमच यहाँ पर हम जीरा पाउडर शामिल कर रहे हैं। 1/2 चमच काली मिर्च का पाउडर शामिल कर रहे हैं। 1 चमच यहाँ पर हमने सूखी मेथी ली है। मेथी में जो मिट्टी वगैरह होती है वो हमने अच्छे से साफ कर ली। अब इसके बाद हम इसको हाथों से इस तरीके से रगड़ रगड़ के इसमें शामिल कर देंगे। ये तमाम चीजें इसके अंदर हमने डाल दी। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये मिक्स हो चुका। अब इसके अंदर लास्ट में हम डालेंगे हरी मिर्च। यहाँ पर हमने 8 से 10 हरी मिर्च ली है, ये डाल लेते हैं।
अब हम इसे कवर करके 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर रख देंगे। 5 मिनट हो चुके हैं इसको रखे हुए, इसको हम देख लेते हैं। यह आप देख सकते हैं जबरदस्त सी मजेदार सी हमारी रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन कढ़ाई बनके तैयार हुई है। आप इसकी ग्रेवी देखिए, ग्रेवी भी बहुत जबरदस्त सी थिक सी बनी है, बेहद लजीज और मजेदार बनती है ये। आप इसको ट्राई कीजिएगा। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो कमेंट्स में लिख के जरूर बताया कीजिए कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। और अगर आप हमें इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर फॉलो करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। इजाजत दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।